हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो कुछ सिचुएशंस आपको गिवन है, डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ सिचुएशंस आपको गिवन है, आपको उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उनको रिप्रेजेंट करना है। उनसे वो जो कंडीशन, जो सिचुएशन आपको गिवन है, उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कहा गया है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। We need to find the length and breadth of the plot। तो यहाँ पे हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इस सिचुएशन को कन्वर्ट करना है। तो प्यारे बच्चों, अगर इसके सॉल्यूशन की हम बात करें, इससे हम क्या कर लेते हैं, पहले रेक्टेंगुलर प्लॉट बना लेते हैं और उससे कुछ कंक्लूजन निकाल के देखेंगे। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लॉट है। अब क्या कहा गया है, इसका एरिया गिवन है, इसका जो एरिया है वो गिवन है, एरिया 528 मीटर स्क्वायर गिवन है, गिवन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट That is equal to 528 meters square। तो ये area given है। अब उसके बाद condition given है कि the length of the plot in meter is, जो length है is one ज्यादा है than twice its breadth, जो breadth है उसके twice ही। अब मान लो ब्रेथ 5 है, जो ब्रेथ है वो 5 है, तो जो लेंथ है वो क्या है, इसके ट्वाइस से 1 ज्यादा है, तो इसका ट्वाइस और उससे भी 1 ज्यादा, इसका ट्वाइस हो गया 10 और उससे 1 ज्यादा हम करेंगे तो 11 हो जाएगा। अब सपोज करो ब्रेथ 10 है तो लेंथ इसका ट्वाइस 20 और 1 तो 21 हो जाएगी। ब्रेथ अगर 7 है तो लेंथ इसका ट्वाइस 14 और 1 15 हो जाएगी। अब ब्रेथ अगर x है तो लेंथ इसका ट्वाइस 2x और उसमें 1 प्लस कर देंगे। बस ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझना है। तो सारा काम किस पे डिपेंड कर रहा है, ब्रेथ पे। तो हम क्या कर लेते हैं, ब्रेथ मान लेते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट दैट इज इक्वल टू एक्स मीटर्स। तो हमने ये एक्स मीटर्स मान ली, देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज, जो लेंथ है वो क्या है, वन मोर देन ट्वाइस, इसका ट्वाइस 2x और उसमें 1 प्लस कर दिया, यानी कि ये इसकी लेंथ हो गई मीटर्स। नाउ वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू l मल्टीप्लाइड बाय b। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल मल्टीप्लाइड बाई बी है और जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका एरिया गिवन है हमारे पास 528, एल हमारे पास कितना है 2x प्लस 1। नो 2x प्लस 1 लेंथ मल्टीप्लाइड बाई एक्स ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई कर दी तो एरिया आ गया किसका, रेक्टेंगुलर प्लॉट का
लेकिन रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया तो कितना गिवन है 528 मीटर पर मीटर स्क्वायर, तो ये 528 मीटर स्क्वायर के इक्वल हो गया। अब इसको सॉल्व कर ले, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x दैट इज इक्वल टू 528। इसको इधर ले आए तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हमने क्या किया, जो हमारे पास कंडीशन थी उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बना दी, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। तो आपको जो कंडीशन गिवन है उस कंडीशन के हिसाब से चलना है। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें पार्ट सेकंड की, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर हम पार्ट सेकंड पे की तरफ बढ़े तो देखते हैं उसमें क्या है हमारे पास। सेकेंड पार्ट पे है प्यारे बच्चों, इसमें कहा गया द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, तो इसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें कन्वर्ट करना है। अब आप देखें कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव मीन्स लगातार, एक अगर 7 है तो दूसरा 8, एक अगर 10 है तो दूसरा 11, एक अगर 100 है तो दूसरा 101, एक अगर x है तो अगला क्या होगा x प्लस 1, 1 ग्रेटर होगा उससे क्योंकि लगातार है। तो यहां पे हमें क्या मानना है, टू इंटीजर्स मानने हैं। तो इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम क्या मानते हैं कि लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज दैट इज इक्वल टू x। तो फर्स्ट तो ये हो गया, तो उससे नेक्स्ट सेकंड क्या होगा, देन सेकंड पॉजिटिव इंटीजर इज x प्लस 1, क्योंकि कंसेक्यूटिव है लगातार है, एक अगर 7 है तो दूसरा 8 है, एक 10 है तो दूसरा 11 है, तो यहां पे हमारे पास एक x है तो दूसरा x प्लस 1 है, एक अगर 7 है दूसरा 6 भी ले सकते हैं, तो एक अगर x है तो दूसरा x माइनस 1 भी ले सकते हैं, उससे पहले वाला भी ले सकते हैं। तो हम नेगेटिव की तरफ नहीं चलते, हम पॉजिटिव की तरफ ही चलते हैं, एक x है तो दूसरा x प्लस 1 ले लिया। नाउ गिवन द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 306, गिवन प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, ये टू इंटीजर लिख देते हैं, ये पॉजिटिव लिखना है तो आप लिख दें पॉजिटिव इंटीजर्स, इज इक्वल टू 306। तो प्रोडक्ट 306 दे रखा है, और प्रोडक्ट हमारे हिसाब से क्या आएगा, एक तो x है और दूसरा x प्लस 1 है, तो ये किसके इक्वल होगा 306 के। तो यहां से x स्क्वायर प्लस x, इसके साथ x स्क्वायर, इसके साथ x, दैट इज इक्वल टू 306। तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो कंडीशन दी थी, जो सिचुएशन दी थी, उसके कोरेस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो ये हो गया हमारे पास पार्ट सेकंड। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट थर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थर्ड में क्या विशेष आएगा।
अगर हम बात करें पार्ट थर्ड की, तो थर्ड पार्ट में कहा गया है, सेकंड के थर्ड पार्ट में इसमें कहा गया है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स एल्डर देन हिम, सॉरी ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर है रोहन से 26 ईयर्स ओल्डर है, बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स, ईयर्स में 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो जो कंडीशन है उसके हिसाब से हमारे पास क्या है कि रोहन की जो मदर की एज है वो रोहन से 26 ईयर ज्यादा है, और 3 ईयर्स के बाद द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 ईयर्स के बाद विल बी हो जाएगी, 3 साल के बाद जो उनकी उम्र है एज है उनकी प्रोडक्ट करें तो वो 360 बनेगा उनकी प्रोडक्ट। वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज, तो हम क्या कर लेते हैं, रोहन की प्रेजेंट एज मान लेते हैं। इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज, इसको हम मान लेते हैं एक्स ईयर्स। अब रोहन की जो मदर है 26 ईयर ओल्डर है, उससे ज्यादा बड़ी है रोहन से, देन रोहन्स मदर प्रेजेंट एज, क्योंकि वो 26 ईयर ओल्डर है उससे, तो जो रोहन की एज है उसमें 26 प्लस कर दें तो इतने ईयर्स की उसकी मदर हो जाएगी। अब उनकी जो प्रेजेंट एज है उससे 3 ईयर बाद के बात की, यानी कि आने वाले 3 साल बाद, मान लो रवि की एज इस टाइम 31 ईयर्स है, तो 3 ईयर्स के बाद कितनी हो जाएगी, तो +3 हो जाएगी, 34 ईयर्स हो जाएगी। अगर किसी की एज 27 है 3 ईयर्स के बाद, उसमें भी 3 प्लस हो जाएंगे, 30 ईयर्स हो जाएंगे। तो आपको 3 ईयर्स बाद की बात हो रही है तो 3 प्लस कर देंगे, और 3 ईयर्स पहले की बात हो रही है तो 3 माइनस कर देंगे। तो यहां पे तो पहले हम एज निकाल लेते हैं 3 ईयर्स के बाद कितनी बनेगी, तो यहां पर लिखते हैं आफ्टर 3 ईयर्स एज ऑफ रोहन, 3 ईयर्स के बाद जो रोहन की एज होगी वो कितनी होगी, इसमें 3 प्लस हो जाएगी, एक्स प्लस 3 ईयर्स। एंड आफ्टर 3 ईयर्स एज ऑफ रोहन्स मदर, तो उनकी भी एज में 3 प्लस हो जाएगी, तो एक्स प्लस 26 था प्लस 3 किया तो ये हो गया एक्स प्लस 29 ईयर्स। अब जो कंडीशन है उसके हिसाब से देखो, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
क्या कहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल के बाद जो उनकी एज है, इन एज की बात कर रहे हैं, उनका प्रोडक्ट यानी कि एक्स प्लस 3, इसकी प्रोडक्ट करनी है एक्स प्लस 29 के साथ। तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, एक्स प्लस 3 की और एक्स प्लस 29 की, यानी कि 3 इयर्स के बाद जो उनकी एज थी, उनकी प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 360 के इक्वल। तो इक्वल टू 360 लिख दिया आपने, मल्टीप्लाई कर दो एक्स की एक्स के साथ एक्स स्क्वायर, एक्स की 29 के साथ 29x, 3 की एक्स के साथ 3x, 3 की 29 के साथ 87, दैट इज इक्वल टू 360। एक्स स्क्वायर प्लस ये हमारे पास 32x प्लस 87 और माइनस के 360, दैट इज इक्वल, इसको भी इधर ले आए। अब ये हमारे पास देखो 360 है, 360 में से 87 अगर हम माइनस कर लें तो ये 3 आ जाएगा, 7 और ये 2, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस ये हो जाएंगे 273, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जो हमें कंडीशन दी हुई है उसके हिसाब से। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास पार्ट थर्ड। तो पार्ट थर्ड के बाद अब हम अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, पार्ट फोर देखते हैं। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहा हमारे पास। फोर्थ पार्ट को अगर हम देखें तो यहां पर फोर्थ पार्ट में हमें कहा गया है ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो हमें ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो कंपैरिजन आपको किसका करना है, डिस्टेंस है आपके पास 400 किलोमीटर और दो तरह से स्पीड है, एक स्पीड तो है जो, और दूसरी स्पीड क्या है वो 8 किलोमीटर पर आवर लेस है और टाइम दे रखा है, कंपैरिजन दे रखा है टाइम का। हमें क्या करना है, स्पीड फाइंड करनी है ट्रेन की। अब देखते हैं इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो हम लिखेंगे लेट स्पीड, स्पीड ऑफ ट्रेन दैट इज इक्वल टू, हम उसको मान लेते हैं एक्स किलोमीटर पर आवर। तो ये हमने स्पीड मान ली ट्रेन की, डिस्टेंस
480 किलोमीटर। इस केस में टाइम टेकन, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। डिस्टेंस 480 और स्पीड x, तो ये टाइम लगा। ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, जब इस स्पीड से चल रही है तो उसको ये टाइम लगा। अब सेकंड केस, दूसरे केस की बात करते हैं। इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर लेस व्हेन द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस, देन न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन 8 किलोमीटर लेस है। पहले जो स्पीड थी x किलोमीटर थी, अब उसमें से 8 किलोमीटर लेस हो गई, 8 माइनस कर दिया, किलोमीटर पर आवर लिख दो या फिर p लिख दो पूरा ही। यहां पर भी लिखा हुआ तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और यहां पर उसने पर आवर इस तरह से लिखा हुआ है तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। पर डिस्टेंस तो वही रही, डिस्टेंस तो 480 किलोमीटर ही है। अब की बार टाइम टेकन क्या होगा, टाइम टेकन डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। डिस्टेंस है 480, स्पीड है x माइनस 8। अब देखो भाई, ये फास्ट स्पीड है, क्योंकि ये जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर लेस है, ये कम है। ये फास्ट स्पीड है तो इसमें टाइम कम लगेगा, और ये स्लो स्पीड है तो इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, इसमें टाइम कम लगेगा। ये टाइम ज्यादा है, ये टाइम कम है। क्या बताया कि इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर स्पीड 8 किलोमीटर लेस है देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, तो इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। इससे बता दें कितना ज्यादा लगेगा, 3 आवर्स ज्यादा लगेंगे। कितने ज्यादा लगेंगे, 3 आवर्स इसमें, यानी कि ये अगर 7 घंटे है तो ये 10 घंटे है, ये अगर 20 घंटे है तो ये 23 घंटे है, ये अगर 17 घंटे है तो ये फिर 14 घंटे है, तो ये 3 आवर्स ज्यादा है। तो इस टाइम में से ये टाइम माइनस कर दें, अगर हम 480 डिवाइड बाय x माइनस 8, ये टाइम है, इस टाइम में से 480 डिवाइड बाय x, इसको अगर हम माइनस कर दें, ये भी टाइम है आवर्स में, ये भी टाइम है आवर्स में, तो इसमें से ये माइनस कर दिया तो ये 3 आवर्स आ गया। अब इसका जो एलसीएम है यहां पे कर लेते हैं, इसको यहां कर लेते हैं क्योंकि स्पेस की हमें जरूरत पड़ेगी। 480 डिवाइड बाय x माइनस 8 माइनस 480 डिवाइड बाय x दैट इज इक्वल टू 3। तो प्यारे बच्चों, आपको ये समझना है कि जब स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो ये टाइम ज्यादा है, ये कम है, ये वाला इससे कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम ले अगर हम, तो ये x इंटू एक्स माइनस 8 हो गया, इसकी इसके साथ करेंगे तो ये 480x हो जाएगा, इसकी इसके साथ करेंगे तो माइनस के 480x बनेगा एक तो, और जब माइनस 8 की करेंगे ध्यान रखेंगे यहां पे गलती के चांस की बजाय आप इसको देखो ऐसे लिख लो सिंपली, तो यहां पे x माइनस 8 इंटू एक्स 480x माइनस 480 इंटू एक्स माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 3। तो यहां पे 480x माइनस 480x किस किस कहलाती, माइनस, और ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो
इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अब जीरो 88 के साथ करेंगे 64 से 4 32 और 6 38 डिवाइड बाय, इसकी भी कर लो, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, तो ये तो इसके साथ कैंसिल हो गया, ये किसके इक्वल आया 3 के, यहां पे आ गया 3840 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x दैट इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, पहले इसकी कर लो, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x, 3x स्क्वायर माइनस 24x 3840, इसको भी इधर ले आओ, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 दैट इज 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, आप चाहो तो इसको 3 से डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा, डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय 3, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 बजे 3, फिर 2 पे 6 आ जाएगा, 2 रह जाएंगे 24 हो जाएंगे, 8 आ जाएगा और ये 0 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। तो तेरे बच्चों इस तरह से आप जो भी कंडीशन गिवन है उसको यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो कंप्लीट हो जाता है, और एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चन थे, तो इस वजह से हमारी जो एक्सरसाइज 4.1 है वो कंप्लीट हो जाती है। तो प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, थैंक यू वेरी मच।